हापुड़ के चीनी मिलों पर किसानों का 383.45 करोड़ बकाया, डीएम ने फाइल की तलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। गन्ना भुगतान में विलंब पर अब हापुड़ के दोनों चीनी मिलों पर कार्यवाही की तैयारी है। डीएम ने गन्ना विभाग से फाइल तलब की है। 60,000 किसानों का इन मिलों पर सत्र 2021-22 का 383.45 करोड़ रूपए बकाया है। ब्रजनाथपुर मिल 52% ही भुगतान कर सका है, जबकि सिंभावली मिल इससे भी कम महज 42% भुगतान दे पाया है। जिले में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है। किसान संगठनों ने बीते दिनों भुगतान को लेकर काफी हंगामा किया था। उस दौरान जिला प्रशासन, गन्ना विभाग, मिल प्रबंधन के साथ किसानों की बैठक कराई गई थी। इसमें मिल प्रबंधन ने हर महीने 50 करोड़ भुगतान करने का दावा किया था, लेकिन ये दावा सफल नहीं हो सका। भुगतान की प्रक्रिया इतनी मंद है कि सिंभावली मिल 50% के आंकड़ों को भी पार नहीं कर पाई। चुनाव के बाद से अब बिजली निगम की वसूली शुरू हो गई है। तहसील भी आरसी जारी कर रहा है। ऐसे में किसानों को कर्ज चुकाने के लिए सूदखोरों से कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन किसानों के भुगतान पर किसी की नजर नहीं है। गन्ना विभाग के अधिकारियों की मिल सुनने को तैयार नहीं। मामले की गंभीरता पर डीएम मेधा रूपम ने गन्ना विभाग से दोनों ही मिलों की फाइल तलब कर ली है। इसमें भुगतान की महीनेवार स्थिति को परखा जाएगा। इस बार गन्ना विभाग में मिलों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी चर्चा है। बता दें कि सत्र 2020-21 के भुगतान में भी काफी देरी हो गई थी और इसी साल बीते सत्र का भुगतान पूरा हो सका है। निधि गुप्ता, जिला गन्ना अधिकारी, ने कहा कि चीनी मिलों को लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं, भुगतान कराने का हर संभव प्रयास हो रहा है। डीएम ने भुगतान संबंधी फाइल तलब की है। किसानों को परेशानी न हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें आपका अपना चैनल हापुड़ हलचल।